हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमने आपके साथ ये शेयर किया था कि हम नर्सरी से प्लांट लेकर आए हैं। तो ये मेरा लाइट कलर का जो है, बहुत ही प्यारा कलर है, ऑरेंज का एकदम लाइट कलर, यानी कि पीच कलर है। दो फ्लावर इसमें खिल चुके हैं और वो रिमूव कर दिया मैंने। जब लाई थी तभी बर्ड्स बनी हुई थी, काफ़ी हेल्दी और बड़ी, डबल पैटर्न का है। तो इसमें देखिए अभी भी बर्ड्स बहुत सारी बनी हुई है इधर भी, और जो खिल चुके हैं उनको मैंने रिमूव कर दिया। आज हम इसे इस तरह से इसकी सॉइल बनाएंगे ना, कि और रूट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना। सॉइल की बात कर लेते हैं। सॉइल ऐसी बनाएंगे कि जो हमारी बर्ड्स बनी हुई है, वो अक्सर ऐसा होता है ना कि घर पर आकर जो है आपके नर्सरी से लेके आ जाते हैं ना, तो उसके बाद वो बर्ड्स गिरने लगती है और प्लांट भी अनहेल्दी हो जाता है। तो इस तरह से रिपोर्टिंग नहीं करना है, अच्छी सॉइल बनानी है और इसको जो है डैमेज नहीं करना है, इसके रूट को कुछ भी नहीं छेड़ना है। और जब भी रिपोर्टिंग करें किसी भी प्लांट की, तो जो है शाम को ज़रूर करें और शेडी एरिया में रखें। तो अब बात करती हूँ कि इसकी, तो ये मेरी सॉइल है और इसके अंदर सैंड मिली हुई है। तो दो चीज़ ये हो गई है मेरी, और एक हमने इसमें डाला है वर्मी कंपोस्ट, एक मुट्ठी के करीब लिया है, और कैल्शियम के लिए, क्योंकि बर्ड्स बनी हैवी फीडर होता है ही बिस्कस, उसके लिए हमने दो एक शेल साफ़ करके सुखा कर क्रश कर लिया है। और ये थोड़ी सी ली है, दो मुट्ठी के करीब मैंने 1 ईयर गोबर की खाद। तो देखिए काफ़ी पुरानी कलर से नज़र आ रही हो, थोड़ी सी जो हल्दी डाल दिया है फंगस वगैरह या कुछ भी हो तो उसके लिए ये लिया। थोड़े से नीम के पत्ते सूखे मेरे पास थे तो वो मैंने ऐसे ही डाल लिया है, आपके पास हो तो डालें, नहीं तो हल्दी ही काफ़ी है। तो अब हम इसको रिपोर्ट करेंगे। देखिए इसके लिए पॉट का सिलेक्शन करना है। ये देखिए ओल्ड पॉट है मेरा, खाली हुआ था, तो इसको मैंने धूप में अच्छे से सुखा लिया और ये सॉइल वगैरह भी सूखी हुई है अच्छे से। अब इसके अंदर मैंने होल ज़रूरी है होना, तो होल तो हमेशा ही होना चाहिए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा गीली सॉइल नहीं चाहिए, बस हल्की फुल्की नम रहे, बस इतना ही है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं दें, और ये रिपोर्ट करने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे, नहीं तो बर्ड्स जो है गिरने लगेगी और ठीक नहीं रहेगा। तो जब ये फ्लावर अच्छे से आने लगेंगे तब अच्छे से एक टाइम पानी तो देंगे ही। फिलहाल रोज़ रोज़ पानी इसे नहीं देना है, चेक करके ही सॉइल को देखिए, चेक करके ही दीजिएगा जब सूखी हो। और इसे रिपोर्ट करने के बाद 4 से 5 दिन आप शेड में रखिएगा ज़रूर से, फिर उसके बाद ये फुल सनलाइट में का प्लांट है, फुल सनलाइट में ही रखना है इसको। तो मैं जो है मिक्सचर, इसको जो सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ सॉइल को, और कंटेनर में डालती हूँ। तो पॉट का सिलेक्शन आपको प्लांट के हिसाब से ही करना, पहले छोटा देना है, फिर जब ये बड़े होने लगेंगे, जब इसको रिक्वायरमेंट होगी बड़े की, तब हम इसे दूसरा पॉट देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा जो है पानी वगैरह चला जाता है तो वो भी सही नहीं होता, अंदाज़ नहीं मिलता है। और आपको कोई भी चीज़ें दे रहे हैं खाद वगैरह, वो भी नहीं समझ में आती है कि कितनी डालना है क्या, तो पॉट के सिलेक्शन से ही आप देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये आई है, ज़्यादा नहीं आई है, तो जैसा प्लांट है उतनी है। थोड़ी थोड़ी सॉइल हम इसकी ऊपर की हटा लेते हैं, और मैंने ये जो है पॉट में डाली है, घर का ही पॉट बना हुआ है वेस्ट का, मटेरियल का। तो आप हमने स्टार्ट करो, तो थोड़ी बहुत हमने इसमें से हटा दी है और जो है इसमें डाल देते हैं, इसको सॉइल से कवर कर देते हैं, हमारी जो सॉइल है उससे। और देखिए नम नम सी है भी, बहुत ज़्यादा इसमें वाटरिंग नहीं करेंगे, इतनी कर देंगे कि 2 दिन के बाद ही फिर हम इसमें वाटरिंग करेंगे। और जो चीज़ें हमने डाली है तो इतना पानी नहीं देना है कि ड्रेनेज होल से निकल जाए, क्योंकि हमने सारी इसमें खाद वगैरह दी है, तो इतना हो जाए कि नीचे तक बस पानी पहुँच जाएगा और निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी जो खाद वगैरह है, हल्दी वगैरह सब दिया है ना, तो वो सब चीज़ें बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से आप करेंगे रिपोर्टिंग तो आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा, अच्छा भी रहेगा और ग्रो भी करेगा। जो बर्ड्स हैं ये धीरे धीरे बड़ी हो जाएंगी और फ्लावर भी खिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी आपको, तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करना, गाँव में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मेरा 2 दिन के बाद, देखिए फ्रेंड्स ये मेरा जो है, हमने आपके साथ जो रिपोर्टिंग करी थी ना, तो उसी का दूसरे दिन का ये है। तो वीडियो मैंने थोड़ा छोटी बनाई थी, तो देखिए फ्लावर खिल गया, मैंने कहा था ना बर्ड्स वगैरह नहीं गिरेगी नहीं, और जो है फ्लावर अगर बना हुआ है तो खिल जाएगा। बर्ड्स छोटी थी उस टाइम, तो देखिए अब जो है ये ब्लूम हो गया इतने अच्छे से,
और ये शाम हो रही है, तो मॉर्निंग में खिल गया था ये, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। डबल पैटर्न का है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और ये भी देखिए बर्ड्स है, और इधर ये है, तो इधर ये भी हैगी। तो इस तरह से आप मेरी तरह से जैसे मैंने बताया वीडियो, तो वैसे ही देखिए, वैसे फॉलो करिएगा, तो आपकी बर्ड्स नहीं गिरेगी जो भी लेकर आएंगे आप प्लांट नर्सरी से। अल्लाह हाफिज़।